चलो ठीक है, शुरू करते हैं पढ़ाई लिखाई थोड़ा। तो उस दिन दो थ्योरम बताए थे, उस पे बेस्ड मैंने क्वेश्चन बनाने दिया था। अगर बनाया होगा तो ठीक है, सब कुछ समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर राम भरोसे रहना। आज कुछ क्वेश्चन करते हैं उस पे। पहले एक आप तीसरा थ्योरम कर लेते हो, उसमें एक थर्ड थ्योरम है जो मैंने थ्योरम पेपर भेजा है तुम लोग को, उसमें से उसमें तीसरा थ्योरम था वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल, उसको प्रूफ करना है। किसी को आता है प्रूफ करने? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होता है, तुम लोग को पता ही होगा, बट कैसे प्रूफ करेंगे वो किसी को आता है? सर लीनियर पेयर की जरूरत स्वयं को आता है। ओके कोई बात नहीं, टू लाइंस इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। बस एक स्वयं को आता है और किसी को नहीं। हेलो यार, एक बार मैं हाथ उठा लूं फिर। स्मृति यस सर आता है। तो यार एक बार में हाथ उठाओ ना, 3 बार बोलना पड़ेगा एक ही चीज को। रुकिए ना, आगे अर्नव, अर्नव अनीस, क्या नाम है जी? नाम हेलो, आवाज आ रहा है क्या? हेलो, हेलो। चलो देखो कैसे प्रूफ होगा ये। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके देखना कैसे होता है। वर्टिकल अपोजिट एंगल के बारे में तुम लोग पहले भी पढ़ा होगा कि वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होता है, बट कैसे इसको प्रूफ करोगे तो देखोगे। जैसे तुम्हारे पास एक स्ट्रेट लाइन ये हो गया, एक दूसरा स्ट्रेट लाइन कोई ये आया, ठीक है। अब तुमको प्रूफ क्या करना है, एंगल ये और एंगल ये वाला एंड सेकेंड दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। जिसे प्रूफ होगा अपना कर लेगा, जिसे नहीं होता है समझते चलना। तो करना कुछ नहीं है तुमको, ये जैसे लाइन ए बी हो गया एंड ये लाइन तुम्हारा सी एंड डी हो गया, ठीक है। अब इसको प्रूफ करते हैं। गिवन वगैरह लिख लेना, गिवन में लिख लोगे, जिसको डाउट होगा पूछते चलना और ये नोट करते चलना साथ ही साथ। टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, इंटरसेक्ट यहाँ पे पॉइंट पी ले लो इसको, इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी। ओके तुमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है तुम्हारा एंगल, पहला एंगल ए पी डी इक्वल्स टू एंगल सी पी बी एंड दूसरा एंगल ए पी सी इक्वल्स टू एंगल बी पी डी। ये दोनों तुमको प्रूफ करके दिखाना है। तो देखो कैसे प्रूफ करना, बहुत ही आसान है। हम इसको एंगल के नाम लिख दे रहे हैं, एंगल 1 2 3 4। हाँ तो कृतिका तुम बताओ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 का वैल्यू कितना होगा? कृतिका हाँ सर,
एंगल वन और एंगल टू ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 180 डिग्री मिलेगा. बढ़िया. तो देखो इसको प्रूफ ऐसे ही करना है, बहुत ही आसान है इसका प्रूफ भाई. तो हम इसको एपीडी प्लस एपीसी इक्वल्स टू 180 लिख सकते हैं. कोई डाउट किसी को? ठीक है. एंड दूसरा एंगल टू प्लस एंगल थ्री भी 180 मिलेगा. एंगल टू एंड एंगल थ्री मिलेगा ना. तो फिर एंगल ए पी सी प्लस एंगल सी पी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री. इसको इक्वेशन वन, इसको इक्वेशन टू. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पहला और दूसरा इक्वेशन से, ये दोनों इक्वेशन 180 के इक्वल है तो दोनों का LHS भी आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा. रिस्पॉन्स करना. होगा ना? होगा ना? हाँ. तो फिर APD प्लस APC इक्वल्स टू APC प्लस CPB. अब यहां से देख लो इक्वल कौन है. APC और APC कैंसल आउट हो जाएगा. यहाँ पे सी मिस हो गया है, सी पी बी. तो इसलिए फिर फाइनल रिजल्ट क्या बन जाएगा, ए पी डी इज इक्वल टू एंगल सी पी बी. ठीक है. किसी को डाउट इसमें क्या किया, ध्यान रखोगे? डाउट है तो पूछो. किसी को भी डाउट नहीं है तो दूसरे वाले इसके लिए तुम क्या करना, एंगल वन और फोर को ऐड कर लेना. ठीक है. इसको एंगल वन और फोर को, और हमने अभी कौन सा किया, एपीडी ना, एंगल वन और थ्री इक्वल किया. अभी हमको फोर और टू दिखाना है. तो क्या बनाओगे, दो इक्वेशन बनाओगे इसके लिए. पहला एंगल वन प्लस एंगल फोर 180 एंड एंगल वन प्लस एंगल टू 180 बना के देखो. दूसरा प्रूफ करो खुद से. सेकेंड खुद से प्रूफ करो और जिससे हो जाएगा तो बताएगा. नहीं होगा क्या, बता दें. हो गया. और किसी से बना, रीजन करते चलो जिससे बन गया, नहीं तो फिर समझा रहे हैं. ओके. जूही से भी हो गया, रितिमा से भी हो गया, अर्पित से भी हो गया. लक्ष्य आवाज आ रहा है क्या तुमको? हेलो. Yes, sir. बन रहा है? Yes, clearly. Angle AOD equal to angle CO. Sir, आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा अच्छे से आज. नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? बाकी पांच लोग से नहीं बना. देखो भाई कैसे बनेगा. इसमें मैंने बोला था एंगल वन और एंगल फोर को एक बार 180 दिखा दो एंड एंगल वन एंड एंगल टू को 180 दिखा दो. तो कैसे करोगे?
एंगल वन तुम्हारा एंगल एपीडी है और एंगल फोर एंगल डीपीबी है. नाउ एंगल वन के लिए क्या लिखेगा एपीडी, तो एंगल एपीडी प्लस एंगल फोर के लिए डीपीबी, एंगल डीपीबी इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंड लास्ट फिर मैंने बोला था एंगल वन और एंगल टू, तो एंगल वन कितना है एपीडी और एंगल टू कितना है एपीसी. तो एपीडी प्लस एंगल एपीसी इक्वल्स टू 180 डिग्री. फिर थर्ड और फोर्थ से क्या आ जाएगा, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ एंगल एपीडी प्लस एंगल डीपीबी इक्वल्स टू एंगल एपीडी प्लस एंगल एपीसी. यहां से एपीडी और ये एपीडी कैंसिल, बच क्या गया एंगल डीपीबी इक्वल्स टू एंगल एपीसी. ठीक है, किसी को डाउट, किसी को डाउट दोनों प्रूफ में? नहीं है, चलो अच्छा है. फिर तो क्वेश्चन कुछ करते चलो आज, फिर आगे थ्योरम पे मूव करते हैं. 10 मिनट कुछ क्वेश्चन कराएंगे इस पे और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन रहेगा, बना लोगे आराम से. फिर थोड़ा लेवल आगे क्लास में बढ़ाएंगे, अभी बेसिक क्वेश्चन करते हैं. पहला एकदम आसान क्वेश्चन सबसे बनना चाहिए, नहीं बनेगा बता. हेलो हेलो, यस सर आवाज आ रहा है. ठीक है, थोड़ा टाइम लग जाएगा, ये स्क्रीन हटेगा तभी. तो मैं इसमें तो दिख भी नहीं रहा है कुछ कि हम कुछ बोल पाए. हाँ देखना, ये तुम्हारा x है, ये 25 है तुमको, और ये y दे रखा है. कितना ये y दे रखा है तुमको, x और y और z तीनों निकालना है सर. हाँ आपको होस्ट बना दे? नहीं रहने दो, कोई दिक्कत नहीं. ओके सर, बस तुम मीटिंग एंड मत कर देना. ठीक सर, एक्स वाई और जेड निकालो फटाफट. सर निकाल सर 25 बेसिक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है. बाकी लोग भी बना लो, जिससे नहीं बनेगा बताएगा, जिससे भी नहीं बनेगा बताएगा. बन गया सर,
बनना चाहिए। बन गया सर। हाँ हाँ, y तुम्हारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 25 डिग्री, y 25 आ गया, तो एंगल y प्लस एंगल z कितना हो जाएगा 180, ठीक है। एंगल y तुम्हारा 25 डिग्री था, तो 25 प्लस एंगल z इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसलिए एंगल z कितना हो जाएगा 155, और एंगल z 155 हो गया, तो एंगल x भी 155। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? एक चीज ध्यान रखना, हमेशा वर्टिकल अपोजिट वाला फंडा लगेगा जब दो स्ट्रेट लाइन होगा तभी, ये नहीं कि एक ऐसा लाइन है, देख लो मैं समझा रहा हूँ, हमेशा दो स्ट्रेट लाइन के लिए अप्लीकेबल, ये नहीं कि ऐसे एक लाइन सेगमेंट आया और एक हल्का सा ऐसा हो गया, हल्का सा एकदम, ठीक है। तो ये नहीं कि फिर इसको और इसको वर्टिकल अपोजिट कर लेना और इसको इसको वर्टिकल, कभी नहीं, एकदम स्ट्रेट लाइन पर एग्जैक्टली दिखेगा तभी वर्टिकल अपोजिट का फंडा लगेगा, नहीं तो नहीं लगाएगा। ये बात समझ में आया सबको? यस आया। एकदम दोनों दो स्ट्रेट लाइन ही दिखना चाहिए तभी लगाना, जैसे यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन तो था, इसमें टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट तीन दिख रहा है ना, एक स्ट्रेट लाइन ये, एक दूसरा ये और तीसरा ये है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में वर्टिकल अपोजिट वाला मत लगा लेना, इसमें दो ही स्ट्रेट लाइन था इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे लगेगा। जैसे एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, ध्यान से बनाना इसको भी। क्वेश्चन ये है, ये हो गया स्ट्रेट लाइन एक, ये तुम्हारा दूसरा, और एक पे से एक आ गया तुम्हारा तीसरा स्ट्रेट लाइन, समझ रहे हो। अब ये एंगल 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है, ये 50 डिग्री दे रखा है, ये तुम्हारा जेड है, ये वाई है, ये एक्स है और ये U है, तुमको यही चारों निकालना है, कौन सा ये एंगल है, एंगल U है ये, ठीक है। तो देखना स्ट्रेट लाइन तुमको एक ये 50 दिख रहा है, तो Y भी 50 होगा एग्जैक्टली, हर जगह मत कर लेना, थोड़ा सोचो और बनाओ। सर बन गया। बन गया बहुत जल्दी सर। Z 90, Y 50, X 40 और U 40, Y का 60 डिग्री, Z का 90 डिग्री और U का 30 डिग्री। अच्छा ये 50 है सर, X 40 है, Y कितना आएगा, रुक जाओ पहले सबको बनाने दे दो। सर हम 90 के बाद 60 लिख दिए। सर बन गया। हाँ ठीक है, तो बन गया। हाँ ओके भैया, सबसे बना? यस बन गया सर। ओके बढ़िया, कोई ऐसा जिससे नहीं बना वो बताएगा, शर्माओ नहीं जी, ये सब चीज में शर्माना नहीं होता है बताने में कि सर नहीं बन रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, शर्माएगा तो काम नहीं चलेगा, ये तो मेरे जैसा रह जाएगा, शर्माया जा ज्यादा तो फ्रेंकली बताओगे अपना प्रॉब्लम। सर x का वैल्यू कितना आया था? x का आएगा 90 50 हो गया 140, x 40 आना चाहिए। यस सर 40, ठीक। कोई ऐसा जिससे नहीं बना हो, कोई भी ऐसा बताओ बताओ, एकदम फ्रिक्वेंटली बताएगा, अगर बन गया तो बहुत ही अच्छी बात है। बोलो कोई, चलो बढ़िया, सबसे बन गया इसका मतलब। तो देखो ये 50 है, तो y भी वर्टिकल अपोजिट से 50 डिग्री, ठीक है, y वर्टिकल अपोजिट से 50 डिग्री। एक मैंने एक चीज मिस कर दिया, एप्पल लाइन का नाम लिखना भूल गया, ये d कर लेना ऐसे समझ लेना, और ये C हो गया, ये E हो गया और ये B हो गया। तो देखो एक स्ट्रेट लाइन तुम्हारा DC दिख रहा है, और DC पे दो रे हो गया, एक ये और एक ये, तो यहाँ पे एंगल Y, एंगल X
और इसको मिलाएंगे तो 180 मिलेगा. एंगल वाई प्लस एंगल एक्स प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री. और एंगल वाई तुम्हारा 50 आ गया था वर्टिकल अपोजिट से, तो 50 प्लस एंगल एक्स प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री. यहाँ से एक्स आ जाएगा कितना, 90 और 50 ऐड करोगे तो 140, और उधर आएगा तो माइनस, ये 40 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, x 40 डिग्री आ गया, y 50 आ गया. फिर तुम इस वाले स्ट्रेट लाइन पे, इस वाले स्ट्रेट लाइन पे अपना सब तीनों एंगल का सम 180 कर लेना, वहां से z निकल जाएगा. और z आई थिंक वर्टिकल अपोजिट है, z तो तुम्हारा वर्टिकल अपोजिट है इसका, तो z को डायरेक्टली 90 कर देना. और x का वर्टिकल अपोजिट कौन सा है, एंगल u, इसको डायरेक्टली एंगल 40 डिग्री कर देना. ओके, किसी को भी डाउट, एकदम बेसिक चीज अभी पढ़ा रहे हैं, ये सब अगर दिक्कत करेगा तो आगे पूरा ज्योमेट्री बिगड़ जाएगा तुम लोग का, इसलिए हम बेसिक पढ़ा रहे हैं और अच्छे से पढ़ाएंगे. तो बेसिक ध्यान से सीखना, बेसिक अच्छे से आना चाहिए तभी एडवांस क्वेश्चन बनेगा. ठीक है, और जिसको भी डाउट होगा, 1-to-1 डाउट सेशन मिल रहा है, जिसको यहाँ पे बताने में थोड़ा हेजिटेशन लग रहा है, तुमको हम 1-to-1 डाउट सेशन में अलग से पढ़ा रहे हैं. तो 1-to-1 डाउट सेशन तुम्हारा काम रहेगा, नंबर मैसेज करने का और डाउट मैसेज करने का. वहाँ पे तो एटलीस्ट तुम शर्माओगे नहीं ना, इसलिए वहाँ पे मैसेज ड्रॉप कर देना. आज से क्लास वो शुरू हो चुका है. एक आखिरी क्वेश्चन इस पे करवाते हैं, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे. बहुत ही आसान है, अभी एक स्ट्रेट लाइन, ये यहाँ पे ए लाइन है ए बी, फिर दूसरा स्ट्रेट लाइन ये, ये तुम्हारा ई एफ, ठीक है, और एक तीसरा स्ट्रेट लाइन ये तुम्हारा एंगल, ये सी लाइन है, ये डी है. ठीक है, ये 35 दे रखा है, ध्यान देना. ये पॉइंट ओ ले लो इसको, जहां पे सब इंटरसेक्ट किया, ये एंगल तुम्हारा 35 डिग्री दिया है और ये एंगल 40 डिग्री दिया है. तुम्हारा काम है, हम एंगल एओसी निकालना, ये पॉइंट ओ है, कौन कौन सा एंगल एओसी निकालो एक मिनट के अंदर, एंगल सीओएफ निकाल लेना, एंगल डीओई निकाल लेना, एंड लास्टली एंगल बीओएफ निकाल लेना. सर बन गया, ठीक है, बन जाएगा, ये तो बन जाएगा, सब कुछ बनेगा. सर बन गया. ठीक है सर, बन गया, बन गया ना सर, बन गया. हाँ ओके ओके, ये बन जाना चाहिए सबसे. बन गया सर. ओके ओके, किसी को डाउट, देखो बन गया सबसे, रेजन कर ले यार, बनते जाए तो रेजन कर ले, मुझे कैसे पता चलेगा किससे नहीं बना बना. रेजन करो, रेजन करने में क्या शर्म आ रहा है, सही है. मयंक तुम है कि नहीं क्लास में भाई, है सर, नहीं बना ये सर, बन गया, बन गया. लक्ष्य, हेलो लक्ष्य, आवाज आ रहा है क्या, रेजन कर सकते हो, तुम्हारे रेजेंट कर लो, रेजेंट कर लो, ऑप्शन होगा रेजेंट करने का. चलो ठीक है, यानी ये सबसे बन गया तो इसको डिस्कस करने की नीड नहीं है, बस आंसर हम बता दे रहे हैं, मिला लेना. तुम्हारा ये एंगल भी 35 हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट से, हो जाएगा. यस सर. ये 35 और ये 40, तो ये फिर 180 माइनस कर लेना, 180 माइनस 75, तो एंगल ये कितना आया, 105 डिग्री. ठीक है, और ये 105, तो ये भी 105, ये 40 वर्टिकल अपोजिट से. तो ये था तुम्हारा वर्टिकल अपोजिट का कंसेप्ट, और सबसे बनेगा. ये आसान सा चैप्टर था, मतलब आसान सा प्रॉपर्टीज था तुम्हारा दो लाइन सेगमेंट का. किसी को डाउट नहीं हुआ ना इसमें, नहीं हुआ तो चलो अच्छी बात है.
इसमें एक अच्छा सा क्वेश्चन है जो कि तुम्हारे एनसीईआरटी में दे रखा है, उसको लास्टली एक बार प्रूफ कर लेते हैं। चार पांच लोग हैं, उन लोगों को करवा रखे हैं। अगर उन लोग से नहीं प्रूफ हुआ तो आज याद रखना तुम पांच छह लोग, क्या हाल होगा तुम्हारा। पांच छह लोग समझ गया होगा कौन है वो। ये एनसीईआरटी का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन गिवन फिगर POQ is a line ray OR is perpendicular क्वेश्चन लिखते चलना टू लाइन सी लाइन PQ OS is another ray OS is another ray lying between rays OP and OR rays OP and OR prove that angle ROS equals to half of angle QOS minus angle POS। नहीं बनेगा, टेंशन थोड़ा भी नहीं लेगा, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन आज सिखा देंगे तो तुम्हारा काम होगा इस क्वेश्चन को दो से तीन बार प्रैक्टिस करना। तुम्हारा डायग्राम कुछ ऐसा है, एक लाइन सेगमेंट ये, इसको नाम दे दो PQ। चार पांच लोग, तुम लोग समझ गए होगा हम किसकी बात किए हैं। अगर नहीं बनाया बन जाएगा। फिर याद रखना, तुम लोग बातचीत करना बंद कर देंगे तुम लोग से, हम बहुत तुम लोग शर्माती कर रहे हैं आज। एक दूसरा स्ट्रेट लाइन ये, यहाँ पे ये है तुम्हारा 90 डिग्री, और एक लाइन तुम्हारा ये है यहाँ पे। ठीक है, ये तुम्हारा S, ये है तुम्हारा R, और ये पॉइंट O। चलो बनाओ। समझाएंगे इसको, इसलिए नहीं बनता है तो थोड़ा भी टेंशन नहीं लेगा। से बोल रहे मिठाई बना के खिलाएंगे। सर हो गया, बन गया, बहुत सही। यस सर। ओके, पिछले ही हफ्ते बनाए थे। अच्छा, बढ़िया है। तो याद हो गया होगा तुमको दे क्वेश्चन से। यस सर। टेस्ट में क्या सो रही थी समझाया जाए या किसी और से अटेम्प्ट हो रहा है। लक्ष्य जूही कृतिका कोई बना पाएगा। चलो लक्ष्य भी बना लिया, अच्छा है। रिद्धिमा श्रेया नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, बताएंगे। जोई से भी बन गया, बहुत सही। चलिए बाकी लोग समझते चलना कैसे इसको बनाना है। आज बता रहे कम से कम दो से तीन बार प्रैक्टिस करेगा।
ताकि आगे कभी ना भूलें। कृतिका बन गया? हाँ सर। अच्छा चलो हम आज से कुछ काम करते हैं। यहाँ पे हम जो क्वेश्चन पे स्टार मार्क करेंगे ना, और जिससे जिससे बनते चलेगा उसको हम पार्टी वार्टी देंगे। तुम लोग अपना कॉपी में लिखते चलना, पार्टी नंबर वन पेंडिंग, पार्टी नंबर टू पेंडिंग, ऐसा करते ठीक है। फिर जब लॉकडाउन खुलेगा तो पार्टी शार्टी दिया जाएगा थोड़ा। चलो देखो कैसे इसको बनाना है, जिससे भी नहीं बना ध्यान से समझेगा। चलो एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस कितना आएगा। एंगल आर ओ एस यानी ये एंगल और एंगल पी ओ एस, ये मुझे बताएगा श्रेया सिन्हा। श्रेया सिन्हा बताओ कितना आएगा इन दोनों का सम। श्रेया, श्रेया सिन्हा नहीं सुन रही है। रिद्धिमा तुम बताओ। यस सर, यस सर। कितना आएगा एंगल आर ओ एस और पी ओ एस का सम। सर शायद 90 डिग्री। शायद 90 डिग्री, खोपड़ी फोड़ लो अपना। वही 90 डिग्री लिए, इधर 90 ऑलरेडी है ना, ठीक है। तो इधर जितने भी एंगल होंगे सारे एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो इन दोनों का सम भी कितना, 90 डिग्री। ओके अब दूसरा इसको याद कर लेना दो तीन बार बना के। दूसरा ये कि एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस इसका मुझे बताएगा मयंक, तुम बताओ एंगल पी ओ एस और एंगल क्यू ओ एस का कितना आएगा। एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस कितना आएगा मयंक। नहीं पता। नहीं पता, रुक लाइन पे रह, भाग नहीं कहीं भी, इसको हम मिटा रहे हैं। अब बताओ इन दोनों का सम कितना आएगा। 180। तो लाइन रहेगा तो नहीं बता पाएगा, कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज नहीं, नाम जो बोल रहे हैं एंगल को उससे फोकस करो, बाकी देखो ज्योमेट्री ठीक करने का ही उपाय है कि बहुत सारे लाइन सेगमेंट तुमको दिखेगा, बट जिस चीज का रिक्वायरमेंट है, जैसे यहाँ एंगल POS और QOS का रिक्वायरमेंट था, तो तुमको ऐसा इमेजिंग करना है कि ये हमारे पास है ही नहीं, ये पूरा चीज ये है ही नहीं। तो ये जैसे ही हटाए तुम बोल दिया इन दोनों का सम 180, तो ऐसा काम तुमको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो समझ में आया। अब क्या करो, इन दोनों को अब ऐड करते चल जाओ। ऐड करोगे आंसर अब आ जाएगा तुम्हारा, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू। करो आगे या ऐड भी नहीं करो, इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो। तुम इक्वेशन लिख रहे हैं, ऐड करोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसको ऐसे लिख लो, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस इज ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस, ये चीज लिख सकते हो। एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस इज ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस प्लस पी ओ एस लिख सकते हो। किसी को डाउट इस लिख सकते हैं। चलो ठीक है, बस हम यहाँ से सॉल्व करते चले जाओ। ये क्या बन जाएगा, पी ओ एस प्लस क्यू ओ एस इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल पी ओ एस, ठीक है। अब देखो प्रूफ में क्या चाहिए तुमको, आर ओ एस अकेला चाहिए सिंगल, तो क्या करोगे, आर ओ एस को एक तरफ रहने दो, बाकी सारे टर्म को दूसरे तरफ शिफ्ट कर दो। ये भी चीज ध्यान में देना, जैसे ही तुम्हारा फाइनल इक्वेशन आया फिर इसके बाद तुम किस पे ध्यान दोगे कि प्रूफ करके क्या लाना है अपने को, ठीक है। तो प्रूफ करके क्या लाना था, तो दिख रहा है तुमको कि आर ओ एस को एक साइड रखना है, बाकी सारे चीज को दूसरे तरफ शिफ्ट कर देना है। तो बस इधर भी वही काम करो, आर ओ एस को एक तरफ रखो और बाकी जितना भी दिख रहा है उसको दूसरे तरफ शिफ्ट कर दो। तो ट्वाइस ऑफ पी ओ एस माइनस में हो जाएगा, एक मिनट ध्यान देना है यहाँ पे, आर ओ एस को उधर ही रहने देना, तो इधर हो जाएगा पी ओ एस प्लस क्यू ओ एस माइनस ट्वाइस ऑफ पी ओ एस जाएगा।
तो फिर से ट्वाइस ऑफ आर ओ एस, यहाँ पे कितना आएगा, ये माइनस पी ओ एस आ जाएगा, माइनस पी ओ एस. अब सिर्फ तुमको आर ओ एस चाहिए था इधर, ठीक है, तो ये टू को भी उधर शिफ्ट कर दो आर एस राइट हैंड साइड में, तो इधर टू इस एंगल के साथ मल्टीप्लाइड है, तो आर एच एस में शिफ्ट होके क्या हो जाएगा, डिवाइड क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस. समझ लो फिर से, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हारा एनसीईआरटी का है और एग्जाम में पूछ सकता है ये, इसलिए इसको ध्यान से समझ जाओ. किसी को डाउट हुआ इसमें, इसके प्रूफ में तो बताएगा, या एक बार और समझा दे, बोलो, समझाया जाए या आगे प्रोसीड करें फिर. चलो ठीक है, फिर सब कुछ समझ गया. इस तुम्हारे पास, अब तुम्हारे पास ये फायदा है ना कि ये पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर भी तुम्हारे पास चला जाएगा, तो अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे, तो तुम उस लेक्चर में इस पोर्शन को जाके फिर से देख सकते हो, ठीक है. तो ये बेनिफिट है तुम्हारे पास, और तब भी नहीं आ रहा है तो तेरे पास वन टू वन डाउट सेशन है, वो भी कर ले, ठीक है. चलो, तो ये सब था तुम्हारा बेसिक लाइंस एंड एंगल का कॉन्सेप्ट था. अब हम लोग जो भी पढ़ाई करेंगे वो तुम्हारा पैरेलल लाइन से रिलेटेड होगा, और आई थिंक पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट थोड़ा तो तुम लोग 6-7 में पढ़ के आया होगा कि पैरेलल लाइन में क्या क्या होता है, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल सब थोड़ा पढ़ा है ना पैरेलल लाइन पहले से. यस सर, पैरेलल लाइन के बारे में कॉन्सेप्ट पता होगा, मे बी प्रूफ आता हो या नहीं आता हो उसके बारे में हम नहीं कंफर्म हो सकते हैं, बट थोड़ा जनरल आइडिया तो होना चाहिए कि उसमें अलग अलग तरीके का क्या होता है, जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल होता है, ऐसा टर्म तुम सुनते आया होगा. सब कोई सुन रखा है इन सब चीज से, कोई ऐसा बंदा है जो पहली बार सुन रहा है ये सारा टर्म, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर, ये सब चीज, कोई ऐसा बंदा जो पहली बार सुना हो, कोई भी नहीं होना चाहिए, ये तो पढ़े ही होगे 6-7 में. चलो, तो देखो मैंने जो थ्योरम पेपर भेजा था उसमें सारा ये थ्योरम में दिया हुआ है, और ये सारा थ्योरम का प्रूफ तुमसे पूछेगा. तुम लोग थ्योरम पेपर में देखना, उसमें सेक्शन ए होगा, हम दिखा रहे हैं यहाँ पे ही, क्लास 9 ले रहे तुम लोग, क्लास 9 चलो देखना है इसमें हम किस कौन से थ्योरम की बात कर रहे हैं. देखो अब तक हम लोग जो डील किए हैं, जो जो थ्योरम, उसमें तुम्हारा नंबर 1 थ्योरम मैंने बता दिया, सेकंड भी बता दिया है, एंड फोर्थ भी बता दिया है, थर्ड वन तुम खुद से ट्राई करना, बहुत ही आसान है. अब देखो उसके बाद सेक्शन बी में, सेक्शन बी में तुमको सिर्फ दिख रहा होगा थ्योरम रिलेटेड विद पैरेलल लाइन, तो इतने सारे थ्योरम है जो कि पैरेलल लाइन से रिलेटेड है, कितने 9 थ्योरम है. हम इसमें डील करते चलेंगे एक एक करके सारे थ्योरम्स को, ठीक है, कुछ एक नहीं भी करेंगे, बोल देंगे तुमको खुद से ट्राई करने, वो तुम आराम से कर सकते हो, ठीक है. तो बट इन 9 थ्योरम को करने से पहले हम बेसिक आइडिया फिर से दे दे रहे हैं पैरेलल लाइन का, जो तुम लोग पहले से जान रखा होता है. तो पैरेलल लाइन में तुमने कुछ टर्म सुना होगा, जैसे जो अगर दो पैरेलल लाइन होता है, दो पैरेलल लाइन कितने जगह इंटरसेक्ट करता है, एक नहीं कभी कहीं, कौन बोला एक, सासवत तुम बोल दिया, पैरेलल लाइन कितने जगह इंटरसेक्ट करता है बताओ तो, जीरो, जीरो कभी नहीं इंटरसेक्ट करता. जैसे दो पैरेलल लाइन है अपने पास, और इस पे एक कोई ट्रांसवर्सल लाइन आया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन, ये वाला लाइन सेगमेंट, ठीक है, ये तुम्हारा कौन सा लाइन हुआ, ट्रांसवर्सल लाइन हुआ. अब इसी में बहुत सारा चीज तुम सुनते आया होगा,
कोइंटीरियर एंगल, पैरेलल एंगल में फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, ऐसा करके बहुत सारा टर्म तुम लोग सुन के रखा होगा। और ध्यान रखना ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, सबको पता होना चाहिए, पता है ना ट्रांसवर्सल लाइन? यस हाँ। चलो देखो अब हम बता रहे हैं, इसमें बेसिक तुम लोग सीखा होगा पहले से भी, जैसे ये हमारा अल्टरनेट, हम यहाँ पे सारा एंगल लिख दे रहे हैं सबको, बस हम रिवाइज करा रहे हैं एक बार सारा चीज। एंगल 4, ये तुम्हारा एंगल 5, 6, 7 एंड 8। तो देखो पहले सिर्फ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का बात करते हैं हम लोग, कौन सा एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसमें कौन कौन है, तो एंगल 3, 4, 5 एंड 3, 6, और ये दोनों क्या होता है आपस में इक्वल होता है। तो अल्टरनेट इंटीरियर इसमें कौन कौन है, एंगल 3 जो कि इक्वल होगा किससे, एंगल 6 से, और एंगल 4 किससे इक्वल होगा, एंगल 5। फिफ्थ तुमने सुना होगा एक और टर्म जिसमें होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्या सुना होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इसमें कौन कौन होंगे, तो एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6, ओके, और कौन कौन सा, एंगल 3, एंगल 3 एंड एंगल 7 एंड एंगल 4 एंड एंगल 8। छोटा कर दे रहे ताकि ध्यान दिखे तुम लोग को भी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसमें कौन कौन सा है, एंगल 1 एंड एंगल 5, ये दोनों भी आपस में इक्वल होता है, फिर एंगल 2 एंड एंगल 6 ये भी इक्वल होगा, एंगल 3 एंड एंगल 7 एंड लास्टली एंगल 4 एंड एंगल 8, ये सब आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते चलते हैं। तो ये सब तुमने पहले पढ़ रखा, बस एक बार मैंने रिकैप कराया। और एक लास्ट टर्म इसमें जो होता है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, या इसको तुम लोग दो टर्म में क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल। सुना है क्या, सुने हो, हेलो, हाँ ठीक है। तो को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है सबको पता है, जैसे इसमें एंगल 3 और एंगल 5 को ऐड करेंगे तो दोनों एंगल का सम कितना आएगा, हमेशा एंगल 3 और एंगल 5 180 आएगा, 180 हाँ, और एंगल 4 प्लस एंगल 6 ये हमेशा क्या देगा, 180 एंगल। इसको हम लोग क्या कॉरस्पॉन्डिंग बोल रहे थे, सॉरी, इसको हम लोग बोलते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल या को इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं इन दोनों टर्म को हम लोग, को इंटीरियर एंगल या कंसेक्यूटिव इंटीरियर। तो तुम लोग कोई भी टर्म से याद रख सकते हो, दो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है या को इंटीरियर एंगल का सम, हमेशा 180 डिग्री होता है। ये सब बेसिक था जो तुम लोग पढ़ा होगा, बट अब इसको प्रूफ करने पूछ सकता है तुम लोग से, क्या बोलेगा क्लास 9 में, अभी जैसे मैंने थ्योरम बताया था उसमें प्रूफ करने बोल के जाएगा तुम लोग को। तो जैसे स्क्रीन पे मैंने तुम्हें थ्योरम दिखा दे रहा हूँ, जैसे पहला थ्योरम है, इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। तो देखो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, इसको प्रूफ करना है। तो जैसे किसी को आता होगा तो अच्छी बात है, बाकी लोग आराम से समझते चलना। हम यहाँ पे सेक्शन बी लिख दे रहे हैं थ्योरम पेपर का, तुम लोग समझते चलना, सेक्शन बी का नंबर 1 थ्योरम, ठीक है। तो वहां से स्टेटमेंट देख लेना एक बार, और ये हम तुम लोग को हार्ड कॉपी भी मिल जाएगा, अभी पीडीएफ मिला है, एक बार क्लासेस खुल जाएगा तो सबको हम पैकेज के सब में ये दिलवा देंगे। तो सेक्शन बी में पहला क्या थ्योरम था, तुमको अल्टरनेट इंटीरियर को इक्वल दिखाना, कितने को आता है रेजेंट कर देना, ये प्रूफ करना कितने को आता है, रेजेंट करते चले जाना। चलो अच्छे खासे लोग को आता है, ठीक है, बाकी लोग समझते चलना। क्या प्रूफ करना है तुमको इसमें, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, ये प्रूफ करना है। तो देखो कैसे प्रूफ होता है, जैसे अल्टरनेट इंटीरियर इसमें तुम एंगल ये 1 हो गया,
ये एंगल टू हो गया, नाम लिख दे रहे हैं एंगल थ्री, एंगल फोर, एंगल फाइव, एंगल सिक्स, एंगल सेवन एंड एंगल एट. तो इसमें गिवन में लिख लेना खुद से, आगे एक में हम गिवन वगैरह लिख दे रहे हैं, बाकी में तुम खुद से लिखते चले जाना, ठीक है. तो गिवन में क्या लिख लेना, इसका नाम दे दो ए बी सी डी और ये ई एंड एफ, और जहां पे पॉइंट इंटरसेक्ट किया इसको हम लोग पॉइंट पी बोल देते हैं और इसको पॉइंट क्यू बोल देते हैं. तो गिवन बस एक में लिख रहे हैं, बाकी में तुम खुद से लिखते चलना. गिवन क्या है, ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइंस, आर टू पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल लाइन ई एफ इंटरसेक्ट ए बी एट पॉइंट क्यू, ए बी एट क्यू एंड सी डी एट पी, ठीक है. ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन ई एफ इंटरसेक्ट ए बी एट पॉइंट क्यू दिख रहा होगा एंड सी डी एट पॉइंट पी पे, ठीक है. तुमको प्रूफ क्या करना है, अल्टरनेट इंटीरियर वाला भी हम लोग देख रहे हैं. तो प्रूफ करके लाना है एंगल वन इक्वल टू एंगल टू एंड एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर. तो देखो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है इसका प्रूफ. ये एक चीज ध्यान रखना, ये जो होता है ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये एक एक्सियम होता है. क्या होता है, एक्सियम होता है. इसको मान लेना, ये होता है, इसमें प्रूफ करने की नीड नहीं है, ठीक है. इसको प्रूफ नहीं, इसका प्रूफ नहीं सिखाया जाता है, इसको एक्सियम की तरह ही ट्रीट करना. एक्सियम मतलब ये होता है, तो बस मान लिया गया होता है. तो देखो इसको कैसे प्रूव करोगे, ध्यान देना सब कुछ. एंगल वन प्रूफ दिखना, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल सिक्स लिख सकते हैं हम लोग वर्टिकल अपोजिट एंगल से लिखेंगे, एंगल वन एंड एंगल सिक्स वर्टिकल अपोजिट एंगल से. एंड दूसरा देखो, एंगल सिक्स और एंगल टू इक्वल है कि नहीं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, दिख रहा है सबको, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है. अब इन दोनों इक्वेशन से एंगल वन सिक्स के बराबर है और एंगल सिक्स टू भी एंगल सिक्स के बराबर है, तो इन दोनों इक्वेशन से तुम कह सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू. किसी को डाउट इसमें, डाउट हुआ किसी को तो पूछेगा. नहीं है, चलो बढ़िया. हाँ ठीक है, नहीं डाउट होगा तो भाई पूछते चलना, चुप मत बैठना. तो ये पहला थ्योरम था तुम्हारा सेक्शन बी का, नोट करते चलना या फिर नोट कर लो, नोट साथ साथ ही करना. हो गया सबसे नोट, सब कोई नोट कर लिया? यस सर. चलो फिर इसका सेकेंड पार्ट पे आते हैं. सेकेंड इसका कन्वर्स प्रूफ करना है. सेकेंड जो है पहला का कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ थ्योरम फर्स्ट. क्या, कन्वर्स ऑफ थ्योरम फर्स्ट. तो देखो इसमें क्या होता है, कन्वर्स ऑफ थ्योरम फर्स्ट इसमें ये है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन इन सच अ वे दैट द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर आर इक्वल. मतलब समझ में आया, इसमें पहले से ही दे रखा है कि दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो जो तुम्हारा दो लाइन सेगमेंट है वो पैरेलल होगा. समझ पा रहे हो ये चीज, पहले वाले में तुमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रूफ किया कि इक्वल होता है,
बट सेकेंड थ्योरम में अल्टरनेट इंटीरियर पहले से इक्वल दे रखा है और तुमको प्रूफ करना है कि ऐसा सिचुएशन तब आएगा जब दो लाइन पैरेलल हो. ठीक है, समझ में आई चीज सबको? तो देखो इसको कैसे प्रूफ करते हैं. इसमें पहले से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल दे रखा है. तो थ्योरम टू, इसका गिवन लिख लेना. गिवन क्या लिखोगे? एक लाइन सेगमेंट ये हो गया, एक दूसरा लाइन सेगमेंट ये हो गया, पैरेलल नहीं दिया है ध्यान देना, और एक तीसरा लाइन सेगमेंट कोई ट्रांसवर्सल ये आ गया तुम्हारा इन दोनों के ऊपर से. ओके, तुमको दे रखा है इसमें अल्टरनेट इंटीरियर पहले से ही इक्वल, यानी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 दे रखा है ऑलरेडी. तुमको क्या प्रूफ करना है? जो लाइन सेगमेंट ए बी है और जो लाइन सेगमेंट सी डी है, ये दोनों पैरेलल है. कब? जब ये एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल पहले से ही दे रखा हो. समझ में आ गया? तो इसका गिवन लिख लेना. अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट एंड लाइन का नाम लिख लेना. इसको सिंपली टी लिखा करो. अ ट्रांसवर्सल टी इंटरसेक्ट टू लाइंस ए बी एंड सी डी, ए पॉइंट पी, ए पॉइंट क्यू. एट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली ठीक है, सच दैट, इसमें याद रखोगे पहले से अल्टरनेट इक्वल दिया है, सच दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3. समझा? एंगल 2 और एंगल 3 पहले से इक्वल दे रखा है. तो इसका प्रूफ में क्या करोगे? कभी भी एक चीज याद रखना, कभी भी तुमसे थ्योरम में बोले कि दो लाइन को पैरेलल प्रूफ करो, तो तुम्हारा काम होगा आइदर अल्टरनेट इंटीरियर दिखा देना इक्वल हो रहा है या नहीं, या फिर कोई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दिखा देना इक्वल हो रहा है या नहीं. बट यहाँ पे पहले से अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल दिया है और तुमको पैरेलल अभी भी प्रूफ करना है, तो क्या करोगे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसमें कोशिश करना इक्वल दिखा दे. क्या करना होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को अगर इक्वल दिखा दिए तो हम कह सकते हैं कि दो लाइन सेगमेंट क्या है? पैरेलल है. तो ये सिचुएशन याद रखना, कभी भी तुमसे बोला क्वेश्चन में कि दो लाइन सेगमेंट को पैरेलल प्रूफ करो, तो तुम आइदर अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल दिखा सकते हो या फिर कोई दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखाते चल जाना, वहां से तुम्हारा काम हो जाएगा. तो इसमें क्या करोगे? प्रूफ करना क्या है यहाँ पे? टू प्रूफ ए बी पैरेलल टू सी डी. तो इसका प्रूफ देखो बहुत ही आसान है. एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 दे रखा है पहले से ही, ये गिवन है. और देखना ये एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है कि नहीं? एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल से. यस सर. बस हो गया इन दोनों इक्वेशन से प्रूफ, ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3. और देखो एंगल 1 और एंगल 3 कैसा एंगल दिख रहा है यहाँ पे? पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहा है. समझ पा रहा है कि नहीं ये चीज? यस सर. ठीक है ना, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से पैरेलल लाइन की सिचुएशन में नहीं बोलते चलोगे कि ऐसा होता है. तो मैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब ये होता है ना कि जैसे आप तुमको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का डिफिनेशन दिखा देते हैं, पहले ये प्रूफ करा दे रहे. एंगल 1 और 3 इक्वल आ गया ना, तो तुम्हारा क्या कह सकते हो यहाँ से कि ये तुम्हारा दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया, इसलिए हम इन दोनों लाइन को पैरेलल बोलेंगे. हम एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को अच्छे से अभी डिफाइन कर लेते हैं. तो यहाँ पे फिर क्या लिखोगे? दस पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, therefore
we can say that AB parallel to CD. हाँ ही मांगी तुम बताना तो corresponding angle को बहुत अच्छे तरीके से कैसे define किया जा सकता है. corresponding angle तो नाम सुनते आ रही होगी. सर corresponding angles ये axiom है कि अगर दो corresponding angles equal है तो lines parallel है तो नहीं वो तो ठीक है वो तो होता है लेकिन उसको define कैसे करेगी कि कैसे angle को हम corresponding बोलेंगे. जैसे तुम ये adjacent angle define कर लेती है ना कि दो या adjacent side define कर लेती है adjacent angle को define कर लेती है उसी तरीके से दो corresponding angle को define कैसे करेंगे. जैसे तुम्हारे पास एक line segment ये है जरूरी नहीं है corresponding angle सिर्फ parallel line के केस में नहीं आता है. सबको ये बात ध्यान से सुन लो यानी कि ये रट के बैठ जाओ कि corresponding angle सिर्फ parallel line के केस में आता है ऐसा बात नहीं है. corresponding angle हर जगह होता है लेकिन अगर दो corresponding angle equal हो जाता है तो तुम्हारा दो लाइन सेगमेंट पैरेलल होता है. ये दिमाग में बात आज एकदम डाल लो कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हर एक सिचुएशन में एग्जिस्ट करेगा. लाइक मतलब हर एक सिचुएशन मतलब दो लाइन रहेगा तो और कोई एक ट्रांसवर्सल होगा तो हर जगह तुम्हारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आएगा चाहे लाइन पैरेलल हो या लाइन पैरेलल ना हो. बट जैसे ही दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया तब तुम्हारा लाइन क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा. तो देखो ध्यान देना ये चीज आज ध्यान देना. किसी को पता था ये बात कोई ऐसा बंदा जिसको पता हो कि रट के बैठ गया है कि corresponding angle सिर्फ parallel line में आता है. कोई बताओ यार कोई तो होगा जिसने पढ़ के आया होगा थोड़ा भी. चलो देखो ध्यान से देना फिर corresponding angle क्या होता है तुम लोग को सिखा दे रहे हैं. जैसे एक लाइन सेगमेंट ये हो गया तुम्हारा एक लाइन सेगमेंट ये हो गया ठीक है और एक तीसरा लाइन सेगमेंट ये आ गया. ओके तो देखो हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को डिफाइन कैसे करते हैं. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये हमको शुरू में बताना चाहिए था बट सॉरी फ्रॉम माय साइड भूल गया मैं ये बताना. देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इसको नाम दे दे रहे पहले A, B, C, D, ये तुम्हारा ये कोई ट्रांसवर्सल T होगा. तो देखो हम लिख रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल टू एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल टू एंगल्स on the same side of transversal are known as corresponding angle. बोलेगा सर ये तो हमको पता ही था are known as the corresponding angle. ठीक है if both line either above the two lines or below the two lines. ठीक है जैसे इस सिचुएशन में ये एंगल और इस एंगल को तुम कॉरेस्पॉन्डिंग बोलेगा. ठीक है उसी तरीके से एंगल थ्री को भी और एंगल फोर को भी कॉरेस्पॉन्डिंग बोलेगा. कोई इसमें ये नहीं कि सिर्फ पैरेलल होगा तभी कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा ना. वही लिखा है मैंने टू एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. जैसे ये ट्रांसवर्सल लाइन टी है टू एंगल सेम साइड में आया दिख रहा होगा एंगल वन और टू सेम साइड में है ट्रांसवर्सल के. आइदर वो दोनों लाइन के ऊपर हो या दोनों लाइन के नीचे हो. तो ये ऐसा सिचुएशन कभी भी दिखा तो क्या बोलोगे इन दोनों ये सारे एंगल को तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलोगे. हाँ अब अगर तुम्हारा दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक पेयर जैसे एंगल वन और एंगल टू तो तुम्हारा कॉरेस्पॉन्डिंग दिख रहा है
लेकिन अगर किसी सिचुएशन में एंगल वन और एंगल टू इक्वल हो जाए तब दो तुम्हारा जो लाइन सेगमेंट है वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, किसी को डाउट इसमें, किसी को भी बोलो नहीं है, बढ़िया बात है। फिर तो याद रखना कि ये नहीं कि रख के बैठ जाओ कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब पैरेलल नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है तब पैरेलल लाइन, उल्टा याद रखो, ये नहीं कि याद कर लेना पैरेलल लाइन तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अगर दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया तो तुम्हारा दोनों लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा। तो इसको ऐसे याद रखा जाता है। ठीक है, किसी को डाउट आज के लेक्चर में, बहुत ही बेसिक बेसिक थ्योरम है। अगले क्लास में भी कोशिश करना तुम लोग कि कुछ एक थ्योरम खुद से ट्राई करके देखे, करके देखोगे, जैसे मैंने फर्स्ट एंड सेकंड बता दिया। अभी आगे इसमें जो थ्योरम आएगा थोड़ा तुम लोग के लिए इंटरेस्टिंग होगा, या जो नहीं पढ़ रखा है ये सब थ्योरम का प्रूफ तुम लोग के लिए तो अच्छा है। तो कोशिश करना तुम लोग एटलीस्ट थ्योरम 3, थ्योरम 4, थ्योरम 5 एंड थ्योरम 6 करके देखने का। ठीक है, करके देखोगे, डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन खुद से एक बार कोशिश करके आना कि क्या होता है ये। ठीक है, यस सर। ओके, तो थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स खुद से कोशिश करना, आज जितना भी थ्योरम कराए वो करके आना और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फिर से पढ़ लेना क्या होता है। ये दिमाग में कभी मत रखना कि अगर पैरेलल लाइन है तभी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, नहीं, अगर दो ऐसा लाइन है और कोई ट्रांसवर्सल आया तो भी दो ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाला एंगल क्या कहलाता है, कॉरस्पॉन्डिंग उस सिचुएशन में भी होता है। ये चीज सबको दिमाग में बिठा लेना आज के बाद से। चलो ठीक है, और पढ़ाई लिखाई करो थोड़ा अच्छे से तुम लोग भी, कहीं डाउट हो अपना, जिसको भी जो थ्योरम में अभी भी डाउट दिख रहा है ना वो मैसेज कर देना मुझे। चलो ये तो पेज से मैंने सारा बोला था बनाने को, तो एटलीस्ट एक्सरसाइज 1 का ये पेज नंबर 66 पूरा कंप्लीट कर लेना। ठीक है, 66 के बाद बहुत ही आसान है, सुंदर मुझे नहीं दिखना चाहिए तेरा कॉपी, बस तुम मन करे तो इसका प्रिंट आउट निकालो और इसी के अंदर बना लो, या फिर रफली बनाते चलना कहीं भी अपनी कॉपी में, इससे भी तुम्हारा 15 बन जाएगा, 16 बन जाएगा, 17, 18 एंड 19 भी बन जाएगा। तो पेज नंबर ये भी बना लेना, और इस पेज से भी 20 ये पढ़, ये तो तुम लोग पढ़ा होगा लाइट में, थोड़ा इसका कंसेप्ट ये कर लेना, 21 तक टोटल बना लेना तुम लोग, और नंबर दे दें 21, चलो इतना ही बनाओ, ज्यादा नहीं देंगे, इतना बना लेना 21 तक, यानी कोई ज्यादा कंफ्यूजिंग होमवर्क नहीं है। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 21 तक बना लेना सब कोई। चलो ठीक है, फिर से उम्मीद लगा के दे रहे हैं तुम लोगों को क्वेश्चन, देखते हैं कितना लोग बनाता है। आज एक असाइनमेंट भेज देंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का, थोड़ा उसमें क्वेश्चन 1, 2, 3 क्वेश्चन ऐसा दिखेगा जो थोड़ा अलग रहेगा, उसको बना लेना। चलो ठीक है, कोई डाउट आज का लेक्चर में किसी को, किसी को भी? ओके, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।